गिर गई। ईशो उसमें नहीं बैठो बेटा, टूट जाएगा। ईशो ईशो, अरे हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आपका देखने वाला है मेरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि मैं अपने घर की जितने दिन मतलब कि अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, जब तक क्लीनिंग नहीं होगी तब तक मैं क्लीनिंग का ही शूट करती रहूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया है। और पता है हम लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे तो बाद में ही रह जाता है, बट मैंने अभी सोचा कि नहीं, चलो धीरे धीरे करके एक एक रूम को लेती हूँ और धीरे धीरे पूरा सामान जो है क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो बॉक्स है मैंने बनाया था, मेरा प्लाजो था उससे बनाया था। तो दोस्तों ये ड्रेसिंग के ऊपर रखने के लिए बनाया था, जिसमें कि जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो आ जाएगा, तो बस यहाँ पर मैं रख लूँगी। और ये जो कार्डबोर्ड है जिससे मैं कवर कर रही हूँ, उसको भी मुझे कवर करना था किसी क्लॉथ से, बट मैंने किया नहीं क्योंकि अभी क्लॉथ नहीं था। कुछ नहीं करूँगी, मैं नहीं डांट रही ईशो, मैं ईशो को नहीं डांटूँगी। दिखा ईशो, आकर खाना पड़ता ही है, मारू दे खाना पड़ता है, हाँ खाना पड़ता है क्या? ईशो स्माइल करो, इधर जल्दी से फोटो निकाल रही हूँ, स्माइल करो स्माइल करो, और करो और करो और जल्दी 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 और। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा ना, ईशो ऐसे ही कारनामे करके रख देती है, मेरा ध्यान नहीं रहता है या फिर वो बिज़ी नहीं रहती हैं। तो मैं जब काम करती हूँ ना, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे ही देती हूँ, क्योंकि क्या पता हम लोग किचन में बिज़ी है, कहीं बिज़ी है और बच्चे कुछ ना कुछ करके रख दिया, फिर खुद को नुकसान पहुंचा दे। इसी कारण मैं मोबाइल देती हूँ ईशो को कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ तो तुम अपने मोबाइल में लगे रहो। अभी ईशो मेरे साथ खेल रही है, जैसे किचन में रहती हो तो फिर ऐसा है कि ईशो को अगर मैं मोबाइल नहीं देती हूँ ना, तो उसको किचन में जैसे कि बैठना रहता है काउंटर टॉप पर, तो वहाँ पर तो मैं बिठा नहीं सकती हूँ ना काम करते करते। एक तो छोटा सा है और वहाँ पर फिर डर भी लगता है बच्चों के साथ खाना बनाने में, तो इसी कारण मैं मोबाइल दे देती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ और ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो ये ईशो ने ड्रेस निकाल लिया, खुद से ही निकाला अंदर से, मैंने उसका वार्डरोब खोला था तो मुझे पहनना है बोल रही थी, तो मैंने उसको पहना दिया है इस पर ही। तो दोस्तों यहाँ पर भी चल रही मेरी क्लीनिंग, फ्रिज को क्लीन करना था क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन बहुत सारे वेजिटेबल ये सब कुछ आता है, तो हमारे यहाँ का मार्केट रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो रखने से पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो ना टाइम नहीं रहता या फिर बाद के लिए छोड़ दो ना तो बाद में ही रह जाता है। तो ज़्यादा फ्रिज गंदा नहीं था, जहाँ ज़्यादा गंदा था मैंने वहाँ से क्लीन कर लिया है। और फ्रिज के लिए मुझे कंटेनर लेना है, और रखने के लिए मेरे पास नहीं है, अभी तक मैंने एक भी फ्रिज के लिए लिया नहीं है। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों से बताया था कि मुझे भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ करूँ कहाँ रखूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि जो फ्रंट वाले रैक है यहाँ पर, तो मैंने कर्टन लगा दिए हैं क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है, तो मुझे सामान रखने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और जो रैक है वो अच्छे से अरेंज भी नहीं रहती थी, इसी कारण यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो ये मेरे पास है, ये मुझे बुलबुल से मिला हुआ है, तो सॉरी मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए आया था, बट ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो इसी कारण इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं की थी। तो यहाँ पर मैं इसको हैंग कर लूँगी, और हैंग करने के बाद यहाँ पर मैं अपने भगवान जी रखूँगी, देखूँगी कैसे अरेंज करना है। अभी तो फ़िलहाल में मुझे यही समझ में आ रहा है कि यहीं पर अरेंज करूँगी। और दोस्तों ये ड्रिल मशीन, ये भी मुझे स्पॉन्सरशिप में मिली हुई है, तो ये भी बहुत अच्छे से काम करती है, मैंने आप लोगों से रिव्यू शेयर किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास रखी हुई। तो देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती, तो वो चीज़ें मेरे पास ही रह जाती हैं।
और यहाँ पर ये नेबुलाइज़र से मैं इशू को ये स्टीम दे रही हूँ क्योंकि मुझे भी सर्दी हो गई है, काफ़ी इशू को भी सर्दी हो गई है, तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलिए इसको दे देती हूँ क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी सो नहीं रही थी और मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रही थी कि ये सो जाएगी तो मैं अपने काम करूँगी, क्योंकि इशू के साथ काम करना, मीन्स कि आप लोगों ने देखा है ना, अगर मैं इशू के साथ कुछ काम करूँगी ना फ्री माइंड बिल्कुल भी काम नहीं आती हूँ, तो इसी कारण मैं सोचती कि इशू सो जाएगी तो मैं फ्री माइंड अपने काम करूँगी। तो ये देखिए इशू को मैं स्टीम दिला रही हूँ, वैसे इशू लेती नहीं है बट आज पता नहीं कैसे ले रही है। तो बस अभी इशू के पापा का मतलब ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, तो आज मैं कप से दूध को नाप रही हूँ कि कितना दूध लगेगा, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा हो जाता है चाय मेरे से बहुत ज़्यादा बन जाती है, इशू के पापा कम पीते हैं और फिर बाकी की चाय मुझे ही पीना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि कप में चाय वगैरह छानते हैं तो नीचे है ना, हमेशा मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि काउंटर टॉप साफ करने के बाद चाय वगैरह हम लोग छानते हैं तो उसके बाद है ना जो चाय है नीचे गिर जाती है, वो दाग बन जाती है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आप इस तरीके से है ना कोई भी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। क्या नहीं ईशन, देखिए कपड़े भी चेंज नहीं किए, अभी उसके कपड़े मैं चेंज कर दूंगी। देखो अबे मैम ने, देखो मैम ने मना किया है ना फोन देने के लिए, बोले ईशू को फोन नहीं देना, पॉपकॉर्न देना बस। ये देखो पॉपकॉर्न बना दिए ईशू के लिए, ये देखिए हेल्दी हेल्दी पॉपकॉर्न ईशू के लिए बनाया है, कहाँ है दिख नहीं रहा, ये देखिए है ना ईशू को पसंद है पॉपकॉर्न। खा लो बेटो फिर कपड़े चेंज कर देती हूँ। फोन नहीं मना किया है, मना किया है मैम ने, नहीं मना किया है, नहीं मना, नहीं आराम से बोलो, नहीं आराम से बोलो जल्दी से, मना किया है, जिद नहीं करो, छुपू छुपू खेलेंगे ना फिर, नहीं पक्का खेलेंगे छुपू छुपू, खाली फिनिश करो, छुपू छुपू खेलेंगे, वाह छुपू छुपू, हाँ हाँ ये पॉपकॉर्न, हाँ ठंडा जाने के बाद बेटो कपड़े चेंज कर लेंगे फिर छुपू छुपू खेलेंगे। हाँ देखिए बना रही हूँ, स्पेशल बना रही हूँ, संडे है ना जिसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना जो यहाँ के वो लोग देखते हैं, और यहाँ के लोग ना जैसे कि धार्मिक टाइप के हैं, ठीक है धार्मिक टाइप के हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना मुझे जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ यार पता नहीं उनको कैसा लगता होगा, जो खाते नहीं है ना तो वो लोग देखते हैं तो उनको अजीब सा लगता है, तो इसी कारण मैं अभी शेयर नहीं करती हूँ, मैं तो पहले शेयर करती थी। और यहाँ पर बन रही मेरी कॉफ़ी, इसे साफ़ करना पड़ेगा और ये मुझे साफ़ करना है मेरा मिक्सर, ये देखिए ये पूरे बर्तन ऐसे रखे हुए हैं जो कि मैं बाहर रखती हूँ, मैं ना ऐसे ही बर्तन नहीं रखती, पहले सुखाती हूँ अच्छे से, जब तक उसमें से पानी नहीं निकल जाता पूरी तरीके से तब जाकर, मतलब जब पानी निकल जाएगा तब जाकर मैं बर्तन रखती हूँ, तो पता है गीले बर्तन रखो ना तो अजीब से मतलब मच्छर टाइप का और वो जो भी ये ऐसा लगता है कि पता नहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसी कारण मैं है ना पहले सुखाती हूँ तब जाकर के रखती हूँ। तो बस अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं सोचती चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। क्लीनिंग ही चल रहा है, क्लीनिंग आज ही नहीं बहुत दिनों तक चलेगा जब तक मेरा घर क्लीन नहीं हो जाता, डेली कुछ ना कुछ क्लीन करना ही पड़ेगा। तो मेरा मिक्सर बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया था, अभी मैं अपनी कज़न से बात भी कर रही हूँ और मैंने सोचा कि चलो क्लीन भी कर लेती हूँ, बात भी हो जाती है, एक साथ दो काम हो जाएंगे। और वो सब लोग मुझसे कहते हैं यार तुमको काम करने का कितना शौक़ है, तो देखिए काम करने का किसी को भी शौक़ नहीं होता है, ठीक है ना, जैसा आप लोगों को मन नहीं करता वैसे मुझे भी मन नहीं करता। देखिए एक मजबूरी मान लीजिए या फिर कुछ भी मान लीजिए कि एक आपका घर रहेगा तो आप मजबूर हो जाओ, मतलब गंदा घर रहेगा तो आप मजबूर हो जाओगे आप साफ सफाई करने में। और एक बात बताइए, टीवी देखना, बाहर निकलना, बाहर बैठना, लोगों से बात करना, किसको अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं क्या करूँ मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मुझे अपने घर के अंदर का काम करने रहते, इसी चलते ना मैं ज़्यादा किसी से बात करती हूँ, ना मैं ज़्यादा टीवी देखती हूँ, ना ही मैं आंगन में जाकर खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं टाइम बाहर खड़ी रहूँगी, बाहर घूमूंगी या फिर टीवी देखूँगी, नॉर्मली मैं कभी कभी टीवी देखती हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, तो उतना ही टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चला जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, बच्चे के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है। तो बस ये समझ लीजिए मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ, बाहर नहीं निकलती, मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रहती हैं ना, डेली आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और बहुत सारे जो लोगों के कमेंट्स होते हैं यार, मतलब नॉर्मली जो मैं बता दे रही जैसे कि यूट्यूब पर करते हैं वो कमेंट्स हैं, जो रियल लाइफ में करते हैं, मीन्स कि यूट्यूब भी एक रियल लाइफ होती है, जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब एक होता नहीं यार, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की बातें होती जो मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिप्लाई दे दूँ क्योंकि मैं क्यों नहीं करती हूँ ऐसा, बट मैं सोचती जाने दो मुझे क्या करना है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत अलग है, मेरी लाइफ बहुत अलग है। हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है। मेरे लाइफ में क्लीनिंग वगैरह में जो घर को साफ करना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ में नहीं होती है, ठीक है। वो बाहर निकलना, बाहर घूमना, बाहर बातें करना उनको इम्पोर्टेंस देती है, या फिर बहुत सारे लोगों की ऐसी रूटीन होती है कि उनके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनके बच्चे छोटे नहीं होते हैं, है ना। बट मेरे साथ ऐसी कंडीशन है कि मेरी बेटी छोटी है, उसको उसके साथ खेलना, उसको इंटरटेनमेंट करना, उसको ध्यान देना, घर का काम करना, उसको खाना पिलाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब कुछ चीज़ें होती है। और मुझे अपने घर को, मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, जितने ज़्यादा मैं लोगों को नहीं देती उससे ज़्यादा मैं अपने घर को इम्पोर्टेंस देती हूँ, ये बात सही है। और हर एक औरत को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, हर औरत को ऐसा ही करना चाहिए, बाकी के काम में बाद में होती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ईशु के साथ में छुपू छुपू खेल रहती है हाइड एंड सी, तो ईशु उसको छुपू कहती है, तो यहाँ पर ईशु आकर छुप गई थी। टॉवल वगैरह यहाँ पर रखे रहते हैं मेरे डोर पर, तो उसके मैं सेट करके रख रही थी, समझ में नहीं आते कि इसकी जगह मैं कहाँ सेट करूँ, मुझे इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैं ईशु के साथ खेल लूँगी, अपने काम कर लूँगी, और ये ईशु की मस्ती, तो यहाँ पर चल रही ईशु की मस्ती। तो देखिए ऐसे ही बच्चों के साथ अपना टाइम निकालना रहता है। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।